स्वागत करता हूँ वापस से एक नए वीडियो में। और आप लोग तो टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आप किसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग फुल वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा, अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे और ऐसे चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस भाई साहब से मैं बात करूँगा, ये भी मॉरीशस में रहता है और मॉरीशस में काम करता है मेरी तरह, और कंपनी में काम करता है। तो क्या क्या काम करता है, कितना सैलरी मिलता है और कितना पैसा लग गया यहाँ पे आने के लिए, फ्री में आया कि पैसा खर्च करके आया है, कितना कमा लेता है और कितना दिन हो गया यहाँ पे आया हुआ, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इससे पूछता हूँ कि मतलब पहले आपको जान पहचान करवा देता हूँ। तो भाई साहब आपका नाम क्या है पहले बता देंगे? मेरा नाम है शेख मोहम्मद असगर। तो आप कहाँ से? मैं इंडिया का हूँ। कहाँ से हो आप, कौन से गाँव? गोंडी, मुंबई। मुंबई ये भाई साहब मुंबई से है। तो और एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहता है, जैसे जैसे मैं पूछूंगा उस चीज़ का आपको जवाब देना ताकि वो लोगों को पता चले कि यहाँ पर आने के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप मुंबई से आए हो यहाँ पे, तो आने के लिए कितना दिन लगा आपको? आने में समझ लो 6 महीना लग गया, वहाँ से सब टिकट विकट होते कंपनी से सब। तो 6 महीना हो गया। तो आप फ्री में आए थे कि पैसा दे के आए थे? नहीं, हम लोग फ्री में आए हैं, पैसा एक भी नहीं लगा। मेडिकल का 2000 दिए थे तो फिर आते समय ऑफिस वाले ने दे दिया 2000, मतलब एक रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। मतलब मेडिकल का जो खर्चा लगा था वो भी आपको वापस? हाँ, वापस दे दिया 2000। तो मेडिकल का भी खर्चा नहीं लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगा। चलो अच्छी बात है, आप फ्री में मतलब समझ लिया टोटली फ्री है। हाँ, फ्री मतलब। हाँ, तो फ्री में आए हो तो यहाँ पे कितना कमा लेते हो? यही मतलब इंडिया में बोला था ये 14000 कमाएंगे। इंडियन मनी की मॉरीशस मनी 14000, इंडियन मनी 26000। तो आप यहाँ पे कितना कमा लेते हो? अभी हम लोग को यहाँ आके थोड़ा ये टारगेट टूटगेट का मतलब मसला है, टारगेट मारेंगे तो पैसा मिलेगा, टारगेट नहीं मारोगे जब तक आपको यहाँ पे यहाँ मॉरीशस मनी आपको 14000 नहीं मिलेगा आपको। ओ, तो आप काम कौन सा करते हो? काम अभी हमको सही, कभी वो काम कभी ये काम, मतलब नहीं, अभी काम का नाम भी तो है, अगर सिलाई का काम करते हो? सिलाई का काम करते हैं, गारमेंट लाइन। हम लोग घूमने आए थे तो सोचता हूँ कि एक वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैं भी इस तरह का वीडियो ढूंढता था लेकिन नहीं मिलता था। तो अभी मैं सोचता हूँ कि मैं ही बनाऊँ, काफ़ी टाइम काफ़ी लोग मेरी तरह वीडियो भी ढूंढता है। तो आप यहाँ पे आए हो तो आपको अच्छा सैलरी मिलता है कि नहीं, मतलब नहीं, सैलरी अच्छा जितना बोला था आपको उतना मिलता है कि नहीं? नहीं नहीं, उतना नहीं मिल रहा हम लोग को। तो आप खुश हो कि नहीं? नहीं, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग जाने वाले इंडिया। तो आप इंडिया चले जाओगे? हाँ, इंडिया चले जाएंगे। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया अभी। आप ओवर टाइम करते नहीं हो इसलिए आपको सैलरी नहीं मिलता है? हम वहाँ पे हम लोग को बोला नहीं गया था कि जैसा ओवर टाइम करना है आपको कंटिन्यू, वहाँ पे सब चीज़ नहीं बताया। वहाँ पे ओनली सिर्फ 9 घंटा ड्यूटी बताया गया था, 9 घंटे की ड्यूटी में आपका इतना पगार आएगा 14000। तो ड्यूटी कितने बजे चालू होता है आपका? ड्यूटी से सुबह ये 7:30, मतलब सुबह 7:30 बजे से चालू होता है, शाम को कितने बजे बंद होता है? 5 बजे, 5:00 मतलब 5:15 बंद हो जाता है। हाँ, तो अगर आपको ओवर टाइम देगा तो ओवर टाइम कितने बजे तक देता है आपको? ओवर टाइम जैसा 2 घंटा कभी कभी 10 घंटा, 10 बजे तक 5 घंटा। तो ओवर टाइम नहीं देता है तो आप फुल ड्यूटी करते हो तो कितना सैलरी मिल जाता है मॉरीशस का? अगर फुल ड्यूटी हम करते हैं तो हमको मिलता है 9000 मॉरीशस। 9000? हाँ। ओवर टाइम नहीं करते हो? नहीं, ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम करोगे, अगर टारगेट मारोगे, पीस सेट मिलेगा तो कितना कमा लोगे आप? 12 से 13 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं है मॉरीशस का। हाँ, मॉरीशस का। तो आप थोड़ा बता दो, अभी जो इंडिया का करेंसी चल रहा है मॉरीशस से इंडिया अगर पैसा भेजते हो तो कितना बन जाता है? जैसा यहाँ का हम लोग भेजेंगे 12000। हाँ, बैंक से। हाँ, 12200 भेजेंगे तो हमारा इंडियन मनी होगा 18000। इतना करेंसी कम है? अगर वेस्टर्न मनी में भेजते हो तो? वेस्टर्न में भेजते हम लोग 12000 तो हम लोगों का आता है वही 21700 या फिर 21500। अगर आप लोग इंडिया से आते हो या पाकिस्तान से आते हो या नेपाल से आते हो या श्रीलंका से आते हो, इन कंट्रियों से ज़्यादा आदमी रहता है यहाँ पे। लास्ट बात पूछना चाहूँगा कि तो आप तो यहाँ पे कितना दिन हो गया आया हुआ? 5 महीना 5 महीना। तो 5 महीना हो गया है, तो बिना फ्री में आए थे तो जितना भी कमा रहे थे उसमें नहीं खुश हो आप? नहीं, हमको जैसा जब हम कमाने आए ना, घूमने तो आए नहीं है, हम आए कमाने। अगर घूमने आते तो कोई बात थी, हम शादीशुदा इंसान हैं, हम शादी, हमारे दो बच्चे हैं, हम दो पैसा कमाने आए यहाँ। तो ये भाई साहब का बोलना का मतलब ये है कि शादीशुदा है, दो बच्चे हैं, तो यहाँ अगर इंडिया अगर यहाँ पे 9000 कमाएगा तो फिर अच्छा नहीं है ना, घर क्या भेजेगा, बचाएगा क्या, तो खाएगा क्या? तो इसीलिए भाई साहब बोल रहा है कि अब मैं नहीं रहूँगा, वो शायद इंडिया चला जाएगा। इंडिया जाओगे? हाँ।
तो अभी आपका मतलब जाने का प्लानिंग बन गया है, हाँ जाने का प्लानिंग बन गया। तो अब जाओगे तो अपने टिकट करके जाओगे कि कंपनी आपको टिकट नहीं, देगा? कंपनी टिकट करके देगी। तो मॉरीशस कैसा देश है मुझे बता दो। नहीं बहुत अच्छा देश है, घूमने फिरने का बहुत अच्छा है। हाँ घूमने फिरने का कोई यहाँ पे कोई नहीं है, मस्त है, मौसम भी अच्छा है, घूमने फिरने का हर जगह अच्छी चीज़ें यहाँ पे, बहुत अच्छा देश है। ये भी देश अच्छा है, लेकिन आप जो किस काम पे आए थे वो काम हाँ, आपको अच्छा हमको नहीं सिर्फ मिला? पैसा कम मिल रहा, हम इसके लिए पैसे, क्योंकि हम बाहर इंडिया अपना वतन छोड़ के आता है 2 पैसा कमाने के लिए, यहाँ घूमने फिरने तो आए नहीं है। चलो हम कुमारे तो नहीं है। अगर आपके मन में कुछ है कंपनी के बारे में या खुद के बारे में कुछ बोलना है तो बता दो इसमें। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस हमें पैसा कम मिले हम इसके लिए जाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। हम यहाँ 2 पैसा कमाने आए हैं, और पहली बात है हमको टारगेट उर्गेट उतना नहीं बताया गया था जितना यहाँ टारगेट बताया जा रहा है। टारगेट मारेंगे तभी, मतलब इतना हम जान दे के काम नहीं कर सकते। वो टारगेट नहीं मार सकता, अगर सिलाई का काम पर आते हो तो आपको टारगेट मारना पड़ेगा। क्वालिटी 100% है, और क्या बोलता है उसको, पेमेंट भी बहुत कम है, ड्यूटी भी ज़्यादा है। आप लोग सोच रहे होगे कि आप लोग आओगे तो फिर हम लोग, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे मत आओ, क्योंकि हम लोग भी है। और एक बात पूछना था आपसे, हाँ तो कंपनी से काम करते हो, जो अगर कंपनी में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या बाहर काम कर सकते हो? हाँ बाहर, जब तक हम लोग बाहर काम नहीं करेंगे तो कैसा खर्चा चलेगा। बाहर करते हैं कुछ काम, हम लोग 5 टाइम का जॉब करते हैं, वही करते हैं, वही हमारा पैकेट मनी बचता है, तब हमारा 9,000 बचता है। देखो ये भाई साहब का बोलने का मतलब ये है कि आप बाहर काम करते हो तभी आपका पैसा बचेगा, अगर बाहर काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं। कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब आप कभी भी कर सकते हो, तो भाई साहब बाहर काम करता है वहीं से भी। आप बाहर से कितना कमा लेते हो? बाहर से हम लोग कमा लेते हैं 5,000-6,000 महीने का। महीने का? हाँ तो यहाँ पे अवेलेबल है ना सब बाहर काम, मतलब बाहर काम पार्ट टाइम के लिए? 5 टाइम करते हैं, संडे शनिचर 2 दिन करते हैं। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक कंपनी में काम करते हो, हाँ और संडे सैटरडे जो छुट्टी रहता है कंपनी में तो हम लोग उस बाहर काम बाहर करते काम हैं पे पांच जाते टाइम हो? जॉब। हाँ तो आप लोगों ने देखा और सुना, अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। मैं अच्छे से वीडियो बना पाया कि नहीं पाया वो भी वीडियो बना देना प्लीज़ यार। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।